हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वैसे तो एलोवेरा के इतने फ़ायदे हैं कि बयान नहीं किए जा सकते, लेकिन फिर भी मैं कुछ फ़ायदे आपकी नज़र करती हूँ। एलोवेरा ताकतवर प्लांट कंपाउंड है जिसमें मिनरल, विटामिन, ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, एमिनो एसिड से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल आपके मैदे और हाजमे के निज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन होता है। कब्ज़ में रिलीफ देता है, आपकी बॉडी से जरासीम निकाल देता है। मैदे के अल्सर के लिए एलोवेरा अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत तेज़ी से रिकवरी होती है। मैदे की गर्मी भी ख़त्म करता है। एलोवेरा को आप टूथपेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके दांत मजबूत और चमकदार हो जाएंगे और मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। चंद दिनों के इस्तेमाल से जिन लोगों के सीने की जलन तेजाबियत होती है, वो एलोवेरा का जूस बनाकर पिएं। एलोवेरा चेहरे पर लगाने से जिल्द के सारे मसले हल हो जाते हैं और आप जवान नज़र आने लगते हैं। अगर आपको अपनी जिल्द चमकदार करनी है तो आपको चाहिए कि एलोवेरा जेल ले लें, या तो आप बिल्कुल ताज़ा एलोवेरा जेल ले लें, या फिर इस तरह का बाज़ार में भी आपको जेल मिल जाता है, आप वो ले लें। और उसके बाद उसमें आप चंद कतरे लीमू के मिलाएं, 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 चम्मच जो है वो, या बल्कि 1 चमचा लीमू का रस ले लें और 2 चमचे 2 विटामिन ई के कैप्सूल ले लें, और इन तीनों चीज़ों को मिलाएं और मिक्सचर बनाएं और अपने फेस पर अप्लाई करें रोज़ाना रात को सोते वक्त। आप देखिएगा कि थोड़े ही दिन में आपकी जिल्द चमकदार हो जाएगी। उसके अलावा आपके बालों के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा होता है। मैंने अपने घर में एलोवेरा का प्लांट लगाया हुआ है क्योंकि मुझे उससे बहुत ताज़ा ताज़ा एलोवेरा मिल जाता है, जो कि बहुत फ़ायदा करता है बनिस्बत बाज़ार के एलोवेरा जेल से। तो आप भी अपने घर में कोई अच्छा सा प्लांट लगा लें, देखें इसके अंदर कितना ओरिजिनल गूदा निकल रहा है। तो आपको चाहिए कि तेल बनाने के लिए, एलोवेरा ऑयल बनाने के लिए आपको चाहिए कि आप इस तरह एलोवेरा काटें छोटे छोटे पीस में छिलके समेत, और उसके अंदर या तो आप जैतून का तेल डाल लें या फिर आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं, और इसको, इस गूदे को आप ऑयल में डालकर पकाएं जब तक कि ये बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए, और उसको फिर 2-3 घंटे के लिए ऑयल में छोड़ दें। और उसके बाद छान कर ये ऑयल किसी डब्बे में या किसी बॉटल में अपने रख लें और हफ्ते में 2 से 3 बार अपने बालों में अप्लाई करें। तो आप देखिएगा आपके बाल जो है वो टूटना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, शाइन करने लगेंगे, और जो खुश्की और सिकरी का मसला होता है आपके बालों में वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये थे आज के एलोवेरा के फ़वाद, यकीनन आपको पसंद आए होंगे। आप इन टोटकों को इस्तेमाल कर देखें तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, और अगर फ़ायदा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टोटके से फ़ायदा हुआ है। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।